Trish and Bulky Boy. Total Josh हमारा है. Story तुम्हें सुनानी है. हमारी बारी है. क्या हाल है बच्चों? क्या चल रहा था? क्या बातें हो रही थी? अच्छा अब सुनो, हम पूरा का पूरा देश घूम के आए हैं. और अरे ये किसकी आवाज है? क्रिश और पढ़ाई, ये बात कुछ समझ में नहीं आई. कहीं ये कोई और तो नहीं, उसका कोई जुड़वा भाई? कौन हो तुम? तुझे मैं कौन लग रहा हूँ बेवकूफ? नहीं बेवकूफ नहीं, तुम क्रिश जैसे लग रहे हो. मैं क्रिश ही हूँ बेवकूफ. तो फिर बेवकूफ कौन है? मैं? पता नहीं, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, पढ़ने दो मुझे. ऐसा क्या पढ़ रहे हो तुम? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, ये किताब पढ़ते हैं हम जैसे कूल लोग, समझे? क्या है इसमें, कुछ बताओ तो. बाल्टी बॉय पकाओ मत, जाओ यहाँ से. ये देखो क्रिस्टी पढ़ रहे हैं कॉमिक. वापस देना. कॉमिक है तो मैं भी पढ़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल, ये लो. नहीं, कहा ना कॉमिक्स एकदम नई चीज है जो होती है कूल लोगों के लिए. जैसे कि मैं? तुम नहीं चपड़ गंजू. अरे चपड़ गंजू. अरे त्रिश देखो ना, वो मुझे चपड़ गंजू कह रहा है. बाल्टी बॉय जो कॉमिक्स को नई चीज समझता है वो खुद कितना बड़ा चपड़ गंजू है, सोचो. क्या? हाँ कॉमिक्स कोई नई चीज नहीं है, हमारे यहाँ तो कॉमिक्स सदियों से है. बहुत से घुमक्कड़ लोग थे जो कहानियाँ सुनाते थे और उन्हीं कहानियों को कागज और कपड़े पर अपने अंदाज से बनाते थे. कहानी सुनाने वाले घुमक्कड़ लोग, यानी के बिल्कुल हम जैसे. हाँ, राजस्थान के इन स्क्रोल को फड़ कहते हैं और इनमें एक बहुत ही बहादुर नायक भी देखने को मिलता है, बाबूजी. वाह बाबूजी की कहानी. पर एक बात बताओ कि कूल से दिखने वाले जवान हीरो के बारे में क्या कहना है? जवान हीरो? मैं एक ऐसे लड़के की कहानी जानती हूँ जिसने दुनिया की सबसे अनोखी दुकान खोली थी. वो अपनी अकल बेचता था. अरे वाह, देख रहे हो बाल्टी बॉय, अकल बेची भी जा सकती है. तुम्हें तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे. सच्ची? हाँ, क्या मेरा दिमाग बहुत अच्छा है? अरे अच्छा भी और एकदम नया भी, क्योंकि तुमने तो कभी कहीं अकल इस्तेमाल ही नहीं की है. क्रिश बाल्टी बॉय, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान में कॉमिक्स बहुत बहुत पहले से थे. तो अब चुपचाप अपनी कहानी पे वापस आते हैं. चूहे लाइट्स बंद करो. हाँ ये क्या हो रहा है? तो जो कहानी सुनावे उसे कहे हैं बोपा और जो रोशनी दिखावे उसे कहे हैं बोपी. तो आज मैं हूँ बोपा और ये चूहा बन गया बोपी.
बिहार की बात है भैया, बात है राजस्थान की। बात है राजस्थान की। सुनो कहानी एक छोरे और उसकी गजब दुकान की। उसकी गजब दुकान की। एक दिन भीड़ भरे बाजार में एक गरीब भिखारी को किसी ने रोका और बेचारे के साथ हो गया बहुत बड़ा धोखा। सेव ले लो, सेव ले लो, सेव बार जर्मली। अरे ओ चोर कहीं के मन्ने चोर बोल रहे हैं के? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारी दुकान पे आवे और मिठाई की खुशबू चोरी करके निकल लिया करे। अरे खुशबू की कैसी चोरी? हाँ भाया, चोरी तो चोरी है, चाहे खुशबू की ही हो, इब तो थारे को इसके पीछे देने पड़ेंगे। पर अरे बाप रे, एक और चोर पूरी मंडली ले आया है के साथ में। इधर आओ खुशबू चोर। अरे ठहरो ठहरो भाया, अगर थारी खुशबू चोर ली इसने तो पीसे तो इसे देने पड़ेंगे। चलो तारे पास जितना पीसा है मारे को दे दो। चलो अब मारी बात सुनो, इस कटोरे में मैं एक एक करके सारे सिक्के गिराऊंगा और गिनता जाऊंगा। लो भाया, एक एकम एक, दो एकम दो, तीन एकम तीन, चार थारी गिनती खत्म कर लियो, तुम्हारे पीसे दे दे। पिसे तो थारे को मिल गए भाया, जैसे उसने खुशबू सुन के पेट भर लिया, तुम खनक सुन के तिजोरी भर लो, बात बराबर हो गई ना। अब जाओ पकोड़े तल लो। पकोड़े तो मैं तेरे तलूंगा चोर कहीं के। अरे मार दिया। अरे कई दिन हो गए थे नाक से खुशबू लेते लेते, आज पहली बार ये लड्डू मारे मुंह में आया। तारी अकल ने तो कमाल कर दिखाया छोरे। अकल के बदले कुछ मिलता तो कोनी, पेट भरने के लिए मारे को भी चोरी तो करनी पड़े ना। मैं तो कहता हूँ कि चोरी चकारी से छुट्टी पाओ और अकल के बदले पीसे कमाओ पीसे। अरे वाह, तारे पास भी अकल कम तो ना है, अब मैं खोलूंगा अकल की दुकान, देखते जाओ भाया। समझ में कुछ भी समझ ना आवे, हर उलझन को सुलझाने का रास्ता आसान, अकलमंद आदित्य की अकल वाली दुकान। मारे को भी थोड़ी सी अकल चाहिए थी, यही कोई एक आध किलो मिल जाएगी के? एक किलो ना, एक किलो तो अकल ना दे सकता, पर एक बहुत जरूरी सलाह दे सकता हूँ। तो ये लो, कभी किसी दूसरे के मामले में अपनी नाक मत घुसेड़ो। वाह, चल भाया चलता हूँ। अरे पीछे को दे जा। चला गया। ठहर जा, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। रुको भाई। ओहो, सही समझाया था उसने, मुझे उनकी लड़ाई में अपनी नाक नहीं घुसनी चाहिए थी। ओह, बड़ी
बड़ी कमाल की सलाह दी थी तुमने, और मैं तुझे पीछे देना ही भूल गया। ये लो। अरे ओ बावड़े, मैंने तुझे राजा का तोहफा रानी को देने भेजा था, तू कहाँ सैर कर रहा है यहाँ? बापू साहब, मैंने अकल खरीदी थी, उसके पीछे देना ही भूल गया। अरे बेवकूफ, अकल खरीदने की बजाय बादाम खरीद लेता, और थारी अकड़ तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। धोखाधड़ी करेगा मारे छोरे के साथ। बापू साहब, पर्चे पर लिख के सलाह दी थी उसने, और मैंने पैसे दिए, इसमें धोखा कैसा? चुप कर जाए बावड़े, जल्दी जाके राजा जी का तोहफा रानी को दे के आ, और ये लो थारा पर्चा, फालतू का खर्चा, बेईमान कहीं का। श्रीमान, कागज फाड़ के वापस करने से क्या होगा? हमारी सलाह वापस करनी है तो एक वचन देना होगा कि जब भी कहीं लड़ाई हो रही हो, आपके बेटे को उसे देखना पड़ेगा। बोलो, है मंजूर? जरूर जरूर, सुन लिया छोरे, जहाँ भी लड़ाई हो रही हो वहाँ खड़ा होके उसने जरूर देखियो, मारा मुँह के देख रहा है, जल्दी जा दे के आ रानी साहिबा का तोहफा। अब जा, और तू इधर आ, तुझे एक सलाह मैं देता हूँ, चल बस। अरे ये तो वही चोर है। अरे दे दे दे। रानी साहब, राजा साहब की तरफ से आपके लिए एक तोहफा। मारे लिए? हाँ, दो दो रानियाँ? इतनी प्यारी चिड़िया है यो। रुको, इसे मैंने पहले देखा था। ये चिड़िया मारी है, मारी। चिड़िया मारी है? मारी। क्या? रुको, इसे मैंने जहाँ भी लड़ाई हो रही हो वहाँ खड़ा होके उसने जरूर देखियो। चिड़िया मारी है? हाँ, छोड़ इसे। नहीं, क्यों ना ये फैसला हम महाराज पे छोड़ दे, एक दिन में यो चिड़िया उड़ तो ना जावेगी। बेटा, तुम और चिड़िया कल फिर आना, महाराज को बताने कि चिड़िया को पहले मैंने देखा था, इसलिए यो मारी चिड़िया है। लेकिन समझा देना प्यारे बच्चे, है मेरा प्यारा लाल, नहीं तो मैं थारी चिड़िया बना दूंगी, समझे? सुनो बेटा, महाराज से ये कहियो कि मैं ही सही हूँ, पर और ये चिड़िया मारे को मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं तो मैं थारे तोते उड़ा दूंगी। मेरे बात तो याद रखना, चिड़िया मारी है। अरे अब के करेगा वो, रानिया तो जीने ना देंगी उसे। मारी समझ में एक बात ना आई कि उसने आदित्य की सलाह मानी क्यों नहीं, अब उस मंत्री के बेटे की मदद कौन करेगा? बाल्टी बॉय, बाल्टी बॉय, सभी कॉमिक्स में मदद के लिए हीरो आवे ना, तो आदित्य भी आवेगा। पर आदित्य तो खुद ही फंसा हुआ है उस खड़ूस मंत्री और बाल्टी बॉय, जिनके पास दिमाग होवे ना वो समस्या को सुलझा ही लेते हैं। इब कहां बच के जाएगा चोर कहीं के? उफ, बापू साहब, उस तोहफे के चक्कर में दोनों रानियों का झगड़ा हो गया है, और दोनों ने सही गलत के फैसले के लिए मुझे कल राज्यसभा में बुलाया है। अरे पर तोहफा देता और वापस आ जाता, किस बेवकूफ ने क्या था उनका झगड़ा देखने को? अरे आपने ही तो कहा था। सारी गलती थारी है। अरे दादा ठहरो भाया, मारे पास इसका भी उपाय है, पर वो चढ़ दो कि मारा कोई नुकसान नहीं करोगे। अरे नुकसान तो मारा हो चुका, अब नीचे आ जल्दी। तरकीब तो बता दूंगा मंत्री जी, लेकिन पहले उधार भूल जाते हैं आप, एक सिक्का पहले वाली सलाह का भी दो जो आपने चोर ली थी। बस एक बात गांठ बांध लो, बेवकूफ लोग जब बेवकूफों वाली बहस करते हैं तो
तो एक बेवकूफ को दूसरे बेवकूफ को देख के बड़ा मजा आता है। के बेवकूफी भरी सलाह दे रहा है, तारे में दिमाग को नहीं गए समझे? ठहरो ठहरो, मारे को भी तो कुछ बताओ। चिड़िया मारी है? मारी? इसे मैंने पहले देखा था। ये चिड़िया मारी है? सर दुखा दिया तुम दोनों ने तो। भाई इस मसले को जल्दी सुलझाओ, उस मंत्री के छोरे को यहाँ बुलाओ जल्दी। बेटा चिड़िया पे किस रानी का हक बनता है जल्दी बताओ। घोड़ा बन जाऊंगा मैं, बाजा बन जाऊंगा, प्यादा बन जाऊंगा मैं, राजा बन जाऊंगा, उल्लू बन जाऊंगा मैं, सबको हंसाऊंगा, मूंछ भी उगाऊंगा और पूंछ भी उगाऊंगा, ला 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 ला। ठहरो, इस छोरे का तो दिमाग ही खराब है, ये कह देगा गवाही, ले जाओ इसे यहाँ से। ये पागलपंती थी यो। पागलपंती नहीं अकलमंदी, मैंने सलाह दी थी कि पगले बन जाओ, अगर वहाँ पर ही अपनी अकल दिखाता तो रानियों के झगड़े में फंस जाता। थारे पास तो दिमाग है कोनी, मारे छोरे को भी दुनिया के सामने पागल बना दिया, सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। कोई भी इज्जत तो मैं वापस दिला दूंगा, एक सिक्का और दे दो बेटे को पागल से होशियार बना दूंगा। क्या थारी इतनी हिम्मत? चलो ठीक है, दो सलाह के साथ एक मुफ्त ले जाइए, राजा को जाके सच्ची बात बताइए, क्यों है ना आसान तरीका। तू और थारी बकवास, ये मजेदार होना चाहिए, चलिए देखते हैं। घनी खम्मा महाराज, महाराज मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि मारा छोरा सच में बावड़ा ना है महाराज। क्या? मैंने ऐसी सलाह दी गई थी कि वो के क्या? ये तो वही बताएगा महाराज जिसकी तरकीब थी। घनी खम्मा महाराज, मैंने मंत्री जी के लड़के को सिर्फ इतना बताया था कि बेवकूफ लोग जब बेवकूफों वाली बहस करते हैं तो एक बेवकूफ को दूसरे बेवकूफ को देख के बड़ा मजा आता है। तो थारे कहने पे उसने पागलपन का नाटक किया, वो भी महारी सभा में। जी जी महाराज, मैंने इसलिए बताया था ये उपाय कि आपकी दोनों रानियों को गुस्सा ना आए। तो वो सब सब कुछ, वो उछलना कूदना नाचना सैनिकों के भालों और तलवारों से खेलना और वाह छोरे हुआ, क्या सलाह दी है तुमने। पर मारे छोरे ने भी तो कमाल कर दिया। इस चोर की फालतू सलाह के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है महाराज। इस छोरे की सलाह फालतू है या नहीं अभी पता चल जाएगा मंत्री। छोरे एक तरकीब बताओ और सुबह तक रानियों का झगड़ा सुलझाओ, समझ गए? एक तरीका है, लगता तो है कि तीर निशाने पे लगेगा। रानियों यो छोरा आदित्य आप दोनों का झगड़ा सुलझाएगा। रतनों से सजी वो चिड़िया क्या मैं एक बार देख सकता हूँ? वाह ये सचमुच बहुत सुंदर है महाराज, आपकी रानियों का दिल वाकई बहुत बड़ा है। हाँ हाँ वो तो है, पर यो तन्ने चिड़िया देख के समझ में आया के? जी महाराज, इस सुंदर तोहफे को एक बार देख लो तो मन खुश हो जावे। आपकी रानियों का आपसी प्यार देखिए, अपने मुकुट पर लगाने चाहती है इसको,
ताकि देखने वाले को खुशी मिल सके। अपने मुकुट पर लगाकर दोनों एक दूसरे को खुश रखना चाह रही है महाराज। हाँ यह तो सच है। और जो भी इस चिड़िया को लगाएगा उसके बदन पर कोई दूसरा आभूषण नजर नहीं आएगा। पर एक दूसरे की खुशी के लिए रानिया ये बलिदान भी देना चाह रही है महाराज। क्या मैं इसके आगे एक नौकरानी लगूं जबकि ये मेरे बगल में बैठकर चमकती रहे? ये मैं होने ना दूंगी। मैं सुंदर दिखने लायक हूँ ना कि वो, पर अब इस चिड़िया की बच्ची से पीछा कैसे छूटेगा? ओरे मैं कितनी स्वार्थी हूँ, यहाँ हमारे राज्य में इतने सारे लोग हैं और मैं केवल अपनों के बारे में सोच रही हूँ। ना ना ना, ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे को। हाँ बहन, मैं भी कितनी स्वार्थी हो गई थी जबकि इस चिड़िया की चमक से पूरे राज्य को खुश होने का मौका मिलना चाहिए। तो इसकी सबसे सही जगह है हमारे महाराज का मुकुट। वाह रानियों वाह, शुक्रिया। आदित्य, मान गए थारी अकलमंदी को, अब तुम ही बनोगे हमारे नए प्रमुख मंत्री। प्रमुख मंत्री? हाँ प्रमुख मंत्री, और अब से आपको भी इन्हीं की सलाह माननी होगी। यहाँ आओ मेरे दोनों प्रिय मंत्रियों। लो भाया, चल पड़ी मारी अकल की दुकान। मंत्री का चेहरा तो देखने लायक था, ऐसा लग रहा था उसने गलती से करेला चबा लिया हो। आदित्य की सलाह तो कमाल की थी। मेरे चपड़ गंजू। क्रिश क्या कर रहा है, मत करना, मत कर। सॉरी सॉरी त्रिश, गलती हो गई। त्रिश माफ करो प्लीज, प्लीज प्लीज त्रिश, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है। अरे त्रिश ये क्या कर रही हो? जब कहानी के दस्तावेज पुराने हो जाते थे या फट जाते थे तो इसी तरह पानी में आदर के साथ बहा दिए जाते थे। वाह त्रिश वाह, क्या सुंदर तरीका है कहानियों को अलविदा कहने का। तेलंगाना में कहानियों के पट हुआ करते हैं, जहाँ पर लोग नाचते गाते हैं और रात रात भर जाग कर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ कहानियाँ सुनाते हैं। पट माने कपड़ा, और तेलंगाना पट हिंदुस्तान में कपड़े पर होने वाली सबसे लंबी चित्रकला के रूप में जानी जाती है। तो प्रस्तुत करते हैं मसालों की खुशबू के साथ मसालेदार कहानी, हिंदुस्तान के चावल के बर्तन, आंध्र प्रदेश की जवानी। बारे वाह मजदूरों के लिए कमाल का दिन था, इंतजार का दिन था। बारे वाह बारे वाह। वारे वाह मजदूरी मिलेगा, हाली सा मजदूरी मिलेगा, नोटा मिलेगा मजदूरी मिलेगा, नोटा मिलेगा मजदूरी मिलेगा। एक मिनट में अभी घंटी बजेगा, नोटा मिलेगा मजदूरी मिलेगा। बज गया बज गया बज गया, नोटा मिलेगा नोटा मिलेगा, नोटा मिलेगा भाई नोटा मिलेगा। वारे वाह वारे वाह वारे वाह, वारे वाह वारे वाह वारे वाह। तुम लोग काय को आए इधर? अपना मजदूरी लेने को आया साहब। हैं? मजदूरी? काय का मजदूरी? ये देख रहा हूँ चावल में कंकर निकला है तुम्हारे, अभी इसका क्या मजदूरी होना? पर मेरी मजदूरी साहब। तुम्हारा क्या, तुम घर का पेंटिंग करते इधर उधर जगह छोड़ देते, अब इसका क्या मजदूरी होना? पहले काम तो खत्म करो। चलो अब तुम लोग मेरा मुँह नक्को देखो, जाके पहले काम खत्म करो। सबको नोटा ही छोना, काम नको। ना नोटा मिलेगा ना मजदूरी मिलेगा,
वारे वाह वारे वाह वारे वाह। क्या तो भी खुशबू है, वारे वाह। रसम, वड़ा, बिरयानी, सांबर, बूंदी, मैं कितना होशियार आदमी, सब खा जाता हूँ। उन लोगों का मजदूरी भी और रसम के साथ पूरी भी। इसको होशियारी न को बदमाशी बोलते हैं। उन लोगों को भूखा मार के खुद दबा को खा रहे हैं। उनकी बददुआ लगेगी आपको, मैं बोल रही हूँ। तुम बस पायसम बना को मेरे को खिलाओ, खेती के काम में टांग न कोड़ाओ। वो देखो मेरा पैसम खा रहा है, खा खा को कितना मोटा हो गया। किसी दिन मैं मोटे को चारे में मिला करके अपने बैला को खिला दूंगा और फिर गोबर से लीप कर सब बराबर कर दूंगा। अरे हावले, मेरे को तो छोड़। चलो चलते जी, अपने दोस्तों को बोलते कि हमको धोखा दे रहे बोल के। हे, अब बीच में देख के आ रहा हूँ मेरी आंखों से जी, ये शेख चिल्ली घर में बैठ को शेखिया मार रहा, वो भी पायसम खाते खाते। बोल रहा कि इन्हों अपनी मजदूरी मार लिया कते, और वो भी होशियारी से। बोलो कितना धोखेबाज आदमी है नो, कहीं मैं गुस्से में आकर को उसका मुंह न तोड़ दूं। नहीं नहीं, कुछ सुने क्या तुम लोग? कौन उठाया मुझे हाँ, यव्वडू रावडू हाँ? थैंक यू वेरी मच डूडू। वन टू थ्री फोर, शुक्रिया मालिक। मालिक? कौन मालिक जी हाँ? मैं तो रामू, आपकी तारीफ। ना पेरू श्रीनिवास राक्षस गोपालचारी कृष्ण देवरायपुरम। यला बुंदी। अब्बा ये नाम है या तुम्हारे गांव का पता? गुड जोक फॉर यू, ओनली शॉर्टकट SRK फुल्ली लोडेड। बाय द वे 10,000 ईयर से मैं उस शंख में कैद था, टोटली लॉक्ड अप यू नो, क्योंकि मेरे पहले वाले मालिक ने मेरे को ये काम दिया था जो मैं कर नहीं सका, लेकिन आपने मुझे आजाद किया। अब आप ही मेरे मालिक, जो काम आप बोलो वो मैं करूंगा जी। SRK एट योर सर्विस फुल्ली लोडेड। यला उंदी। जो भी काम? यस SRK के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं। हाँ, लेकिन ये एक शर्त है। शर्ता वर्ता नक्को जी, पहले हम लोगों के खेत में जो भी काम बचा वो खत्म करके आओ जी। दैट्स ऑल, जो हुकुम मेरे आका। बेवकूफ लोगा, मेरी शर्त सुनाई नहीं। इन लोगा को ये मालूम अच नहीं कि उन्हें मेरे को इतना काम देना पड़ेगा कि मैं कभी भी खाली न रहूं, क्योंकि अगर मैं खाली हुआ तो मैं उनको ही खा जातू। टॉप सीक्रेट, डोंट टेल एनीबडी। ये सब लोगा क्या नाटक कर रहे हैं? अरे देवड़ा, जाने दो, करने दो उन लोगों को जो भी कर रहे हैं। मेरे को पक्का मालूम ये लोग काम नहीं कर रहे, जरूर कुछ तो भी चुरा रहे। मैं सबको रंगे हाथ पकड़ लेती हूँ। औजार पूरे साफ दिख रहे और खेता में पानी भी दिख रहा, इतना जल्दी कैसे तो भी कर दिया पूरा काम इन लोगों ने।
अरे सुन या सर के, बाकी काम बाद में करना, हम लोगों को भूख लग रही, जाओ कुछ खाने वाने का बंदोबस्त करो जी। अच्छा तो ये बात है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे, ये अपना सारा काम ब्रह्म राक्षस से करवा रहे। नाच गाना बंद करो, तुम लोगों ने क्या समझा मेरे को? हौला कि तुम कुछ भी करोगे और मेरे को मालूम नहीं चलेगा। अब ये मेरा। अरे साहब लेकिन ये तो मेरा है जी। लेकिन मैं तुम लोगों का मालिक, याद रखना, इसलिए जो भी तुम लोगों का है उसका मालिक भी मैं। तो अब ये शंख भी मेरा और ब्रह्म राक्षस भी मेरा हुआ ना, और अब मेरे को कोई भी काम के लिए तुम लोगों की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। लेकिन कुछ नहीं सुनना है मेरे को, अभी तुम लोग जाओ यहाँ से। रुको रुको रुको, मैं पूछता हूँ कब तक चलेगा ऐसे? ये कंजूस कितना खड़ूस निकला, धोखेबाज कहीं का, मैं मारू उसे क्या? डिशुम डिशुम। बाल्टी बॉय अकल की बात सुनो, एक कहावत है दुनिया के बारे में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मुझ में ताकत है तो मैं तुमसे ये ड्रम छीन सकता हूँ। देखा बाल्टी बॉय, एक और कहावत है, बुरे काम का बुरा नतीजा। उस खड़ूस के साथ भी अंत में ऐसा ही कुछ होगा, आओ देखें क्या होता है। नया और तंदुरुस्त बकरा, यम्मी, आई विल पार्सल फॉर मम्मी, डिलीशियस यू नो। कौन तू भी है नू? ये है हमारा नया गुलाम। श्रीनिवास राक्षस गोपालचारी कृष्ण देवरायपुरम। नाम तो सुना होगा। क्या? आपके लिए सिर्फ यस आर के। यस आर के फुल्ली लोडेड। ये नया गुलाम काम करेगा बिना दाम। लेकिन मेरी एक शर्त है, माइंड इट। एए, पैसे ही नहीं दूंगा। नो प्रॉब्लम, पैसे न खोजी, मेरी शर्त बस यही है कि मेरे को काम चाहिए 24/7। खाली बैठा तो मैं परेशान हो जातू और अपने मालिक को खा जातू। अरे अरे देवड़ा, ये तो इसको तो खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। मैं तेरे को इतना सारा काम दूंगा, बोरी को डाउन में रखना, जंगल से लकड़ी काट के लाना, बौड़ी से पानी निकाल के आना, गाय को नहलाना, ट्रैक्टर को धोना, फिर मुझे खाना खिलाना। यही करने में इसका पूरा दिन निकल जाएगा। साहब और कुछ खामा है क्या, या मैं चालू करूं खाना? जी आपको लाइक खारा बूंदी यला बूंदी। अरे इन्हें क्या तो भी है, मेरी जान पर आकर बैठा। मेरे को मालूम है कि तुम्हें मसरूफ रखने के लिए क्या करना है। देश के सबसे उत्तरी गांव में जाओ, वहाँ के चावल का सबसे अच्छा बीज लाओ, जाओ। ओके एक्शन। मैं उसको इतनी दूर भेज दिया है कि अगर वो भाग कर भी जाएगा तो भी एक हफ्ते से पहले वापस नहीं आएगा। चलो अब मैं शांति से सोतू। आज तो दावत है मियां। मेरे को बस अभी अभी नींद आई थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? ऐसे ही मेरा सर खाएगा क्या? सिर्फ सर नहीं, मैं तो तुमको पूरा खातू।
आपको पहले ही बोला था, काम खत्म, डिनर स्टार्ट, नो टाइम वेस्ट। क्या इतने जल्दी? हाँ ठीक है, तो अब जाओ और सारे पके हुए नारियल झाड़ से तोड़ के लाओ, जाओ। अरे देवड़ा, उठो उठो, ब्रह्म राक्षस मेरे को खा लेगा। टूट के थाली पर उस उना के लिए तुम्हारा ऐसा के है, उना को तुम ही संभालो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बेवा हो जाओगी तुम, उठो और कुछ तो भी करो। ठीक है ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। अब तुम्हारे भी शर्त? ठीक है बोलो। शर्त ये है कि उस ब्रह्म राक्षस को मेरे पास भेज देना। हवली कहीं की, खुद तो मरेगी, मेरे को भी मरवाएगी। मैं तो भाग जातू। किधर को जा रहे? किधर भी नहीं। आप कोई और हुकुम मेरे आका? मेरे पेट में चूहा लोगा क्रिकेट खेल रहे, हाउ्स दैट? पहले एक बार मेरी बेगम से मिल लो, उसे तुमसे जरूरी काम है। आपकी खिदमत में यस सर के, फुल्ली लोडेड। यला उंदी, बस एक छोटा सा काम है, जरा ये बाल को पकड़ो और इसको सीधा कर दो। दैट्स ऑल? इतना ही? अभी कर दो। पहले करके तो दिखाओ, फुल्ली लोडेड। अगर नहीं कर पाए तो 10,000 साल के लिए वापस इसमें ही कैद हो जाओगे। इससे तो लोहे की तार भी सीधी हो जाती। ये तो जरा सा बाल है जी, वन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर, यू नो। आइडिया। अम्मा, अय्या, दादा, नहीं नहीं, नहीं। क्या हो गया फुल्ली लोडेड? मेरा काम खत्म हो गया? काम नहीं जी, बाल खत्म हो गया। यस सर के को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, ना मुमकिन है। बाय। यही तो मैं चाहती थी, फुल्ली लोडेड। अरे एस आर के चला गया, उनो अब हमें दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा। सच्ची? हे देवड़ा, मैं बच गया, मैं कैसे इस बात की खुशी मनाऊं? अब शर्त याद दिलाऊं या बुलाऊं? तुम लोगों ने बहुत अच्छे से चावल का खेती किया, बहुत अच्छा काम किया, और तुमने क्या कमाल पेंटिंग किया मेरे मकान का। और तुम, तुम्हारे बच्चे की सालगिरह है ना, जाओ खुशी मनाओ, जाओ। तो ये लीजिए कहानीकार साहब। ये क्या है? तुम्हारी बकरी। तेलंगाना पट की कहानी सुनाने वालों को कभी नकदी दी जाती थी, कभी अनाज और कभी बकरी। तो मैंने भी तुम्हें इनाम में दी है बकरी। छोड़ मुझे। लगता है कृष बहुत पसंद आ गया है उसे।
चलो अब मेरी बारी है एक हीरो की कहानी सुनाने की। तुम्हारा हीरो कौन है? हाँ, तुम जैसा जोकर। जोकर भी कभी कभी कमाल के अकलमंद होते हैं, जैसे बंगाल का गोपाल भर, राज्यसभा का एक मस्खरा, लेकिन पूरे राज्य में उससे ज्यादा चतुर कोई नहीं था। सच्ची? चूहो जरा मेरा पट तो लाओ। अब मुझे चाहिए हल्दी, एक नारियल का छिलका, नीलमणि फल और हाँ एक इंच। लगता है ट्रिश का दिमाग खराब हो गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं चित्र बना रही हूँ। देखो हल्दी और बेसन को पानी में मिलाऊंगी और पीला रंग बन जाएगा। इस नीलमणि फल से मुझे नीला रंग मिलेगा। काला रंग मिलेगा जब जलाएंगे इस नारियल की छाल को, और ईंटों से मिलेगा हमें रंग लाल। अरे वाह, नीला पीला काला और लाल, अब बस चाहिए भैंस की पूंछ का बाल। भैंस की पूंछ के बाल से हम बनाएंगे ब्रश। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ कहानी के चित्र बनाने के लिए। ओहो, काली घाट स्टाइल में। सुनो 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 एक नई कहानी, बांग्ला के काली घाट की कथा पुरानी। एक था राजा और थी प्रजा, राजा का खाली था भेजा, करवाता था नई नई वो रोज शैतानी। आई सुनो 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 एक नई कहानी। मंत्री मंत्री तुम्ही कोथाय? मर गए क्या? महाराज की होलो, आपने बुलाया की होलो? मंत्री हमें हमारे जीवन में महसूस हो रही है कुछ कमी। की कमी महाराज? सब तो देख चुके हैं आप। आदमी नहीं देखा ना? की महाराज तो हम सब क्या जानवर है। कथा है पूरी बात नहीं सुनता है। हमने ऐसा आदमी नहीं देखा जो कद में सबसे लंबा हो। ऐसा आदमी जो सबसे क्या हो? लंबा। गाने कौन सुन चुकी? सबसे लंबे आदमी को हमारे सामने लाओ, जल्दी जाओ। महाराज देखे तो हाँ हमने कुछ लंबे आदमी जो खंबे से भी लंबे हैं, किंतु उन लंबों में कौन सबसे खंबा है, माने लंबा जो खंबा है की वो... लंबा खंबा कर सो तुम्हें मंत्री, जो भी हो उसे अभी हमारे सामने लंबा करो, मतलब प्रस्तुत करो, नहीं तो तुम्हें काल कोठरी में खंबों के पीछे डाल दिया जाएगा, समझा? तुम्हारे पास मात्र 5 मिनट है, बुझले? आमी ऐसे गेलो महाराज, शांत शांत आमी आछी ना, और यदि वो इस काज को करने में सफल नहीं हुआ तो मैं नया प्रमुख मंत्री बनूंगा। ठीक बोली ना महाराज? और के मुझे कोई अकलमंद आदमी चाहिए, अब तुम जाओ। अरे कोथाय जाऊं मैं लंबा आदमी को ढूंढने? अरे 5 मिनट में तो परछाई भी लंबा नहीं होता है, आदमी कहां से लंबा होगा? ए भगवान आमी तो गेलाम काम से, महाराज के सामने सबसे लंबा मानुष कहां से प्रस्तुत करूं? उड़ी बाबा। सर एक्सक्यूज मी सर, की होलो? मैंने सुना तुम्ही एक ठो लंबा मानुष ढूंढ रहे हो। आई कैन हेल्प यू सर, टेल मी। तुम्ही क्या मदद करबे गोपाल भाग, ये हंसी खेला का काज नहीं है। बट आई कैन सी सर, आई कैन सी द लंबा मानुष, देखो देखो कौन है। अरे हाँ,
अरे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू से तो सभी लंबा है। अरे इससे लंबा तो हम है पुलिस। तुम्हारा ना आँख का इंचिते खराब हो गया छे, बुझले? सुनो, एखाने उखाने घूम के दिखाओ तो मंत्री जी तुम्हें 5 गोल्ड कॉइन देबे। देबे तो सर? हाँ सर, देबे देबे देबे। देखुन महाराज, देखुन दुनिया का सबसे लंबा मानुष देखुन। हैं? एखुन देखता हूँ कि ये मानुष सत्ती लंबा है या इसके नीचे कोई खंबा है। अरे पब्लिक मोशाय, लंबे आदमी के लिए ताली बजाइए। और लंबू जरा डांस तो दिखाइए। भीषण भालो। 4 हाथ वाला लंबा मानुष। खूब मजा एसेछे। वाह। देखले हमारे राजा साहेब एकदम बोका। और हमारे प्रमुख मंत्री साहेब कितने अकलमंद हैं। आमी बोका हैं? सिपाहियों, ए तो ताड़ाताड़ी ना महाराज, आपका प्रमुख मंत्री है बड़ा चालबाज। ओई ये सब बात फैला रहा है, अपना अगेंस्ट चक्कर चला रहा है। हाँ, एकोन जो दी आप इन नौकरों को सोजा देंगे तो प्रमुख मंत्री में लोगों का ट्रस्ट बढ़े जाबे। हाँ, तुम्ही की सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस कर बे, किचु आइडिया लाओ, पीछा छुड़ाओ। ओके, ऐसा काज दे दीजिए जो कंप्लीट ही ना होबे, और कंडीशन ऐसा कि ये काज अगर कंप्लीट ना होबे तो सार एकोने जाबे, धार ओखाने जाबे। अरे पर ऐसा काज बताएगा कौन? आमी महाराज। ओके कहिए, आकाशे कितने स्टार्स हैं ये बताए, और पूरी अर्थ का दायरा समझाए। दायरा की? सर्कमफेरेंस महाराज, सर्कमफेरेंस। अब मजा आएगा। ए शाबाश, तुमरा बढ़िया काज किया। की भालो मंत्री, मंत्री अपना के की लागे? आप बहुत स्मार्ट है ना? कितना अक्ल है आप में है? बोलो जी। बस इतना कि आपका सेवा कर सकूं। ठीक आचे, तो इस अर्थ का दायरा नाप कर दिखाओ। दायरा बुझे चो ना? सर्कमस्टांस, सर्कमफेरेंस। और एक टका, आसमान में कतो स्टार है ए बताओ। की महाराज, ये संभव नहीं है। अकेल है ना, लगाओ। और यदि अकेल नहीं लगा पाए तो वो भी बता दीजिए महाराज। यदि ये काज कंप्लीट ना हो बे तो शोर इखाने जाबे, आर थॉर ओखाने जाबे, ओखाने। जाओ, ताड़ाताड़ी जाओ, और काज पूरा होने से पहले हमें शकल मत दिखाओ, समझा? पृथ्वी का दायरा कैसे नापे? नहीं, यहाँ नहीं, स्टार्स को कैसे गिने? अरे नहीं, यहाँ भी नहीं, नहीं नहीं, कोठाओ भी नहीं। की कोरी माँ दुर्गा, की कोरी। गोपाल भाड़, की हुलो तुमी की करछो यहाँ? सर,
मैंने सुना राजा ने की काज दिया है तुम्हें। ओ हो, सर मुझे तो लगता है कि एटा बड़ो अन्याय है। वेरी सैड सर, वेरी सैड, बट डोंट वरी, मेरे पास एक ठो उपाय आछे। गोपाल देखो जोकर वाला डांस नहीं दिखाना है बेटा, स्टार्स गिनने जाना है और अर्थ का सरकम दायरा समझना है, बुझले? अरे मंत्री मोशाय, एक थो बार बात सुन लेते हमारी तो आप भी बन जाते खिलाड़ी नंबर वन। पर कर लीजिए अपने मन की, जब आपको सुननी ही नहीं हमारी तो आमी जाची। सुनो रुको, ठीक है चलो खेला जाए। बोलो तो सुनो, राजा से 10,000 सोने के गोल्ड कॉइन लीजिए, उनसे बोलिए कि हम रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च यू नो R&D। ये कौन सा खेल है? बस खेलते जाइए, उनसे कहिए कि बहुत जरूरी काम है, तौन मौन और धौन से करना पड़ेगा, तौन और मौन हमारा, धौन आपका है। ठीक बोल ले, किंतु आमी राजा से मिलूंगा कैसे? अरे मंत्री मोशाय, आमी यो एक ठो खेल देखाबो। हाँ शुभ प्रभात महाराज। तुम्हें सिपाहियो। अरे सुनिए तो महाराज, आमी बस अपना खेल माने आपका काज खत्म करने ही वाला हूँ, बस एक तो पैसा का जरूरत है। क्या है कि आमी बनाएंगे एक तो शिप जिस पे बसे पूरा अर्थ घूमने जाया जा सके, और एक तो प्लेन जिसे लेके आसमान में जाया जा सके। शिप प्लेन की? एक कथा जान लीजिए महाराज, यदि आमी ये काज खत्म कर दिया तो आप दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा बन जाएंगे, वर्ल्ड बेस्ट, जो जानते हैं कि आकाशे कितने स्टार्स हैं और अर्थ का सरकम दायरा कितना है। अरे वाह, वर्ल्ड बेस्ट बोका राजा, ना बुद्धिमान राजा। आर की वर्ल्ड बेस्ट, आपके नाम गोल्डन लेटर्स में लिखे जाएंगे। कितना पैसा चाहिए तुम्हें हा? कितना खुल के बताओ। जी यही कुछ 10,000 गोल्ड कॉइन। सुने के आर की महाराज, वर्ल्ड बेस्ट। एना ये रहे पैसे, जल्दी करो जाओ। महाराज जो आपने पैसा दिया है इसका कुछ नहीं होगा, ये माने आपको रिग्रेट नहीं होगा, सत्ती बोलची। वर्ल्ड बेस्ट। अब होगा असली खेल शुरू, की बोलची? हाँ 1, 2, 3, 4 चमत्कार। 1, 2, 3, 4 चमत्कार। अब तो खरीद लेंगे हम ये पूरा बाजार, अब तो खरीद लेंगे हम ये पूरा बाजार। 1, 2, 3, 4 चमत्कार। 1, 2, 3, 4 चमत्कार। जिंदगी का मजा तो अमीरी में है दादा, जिंदगी का मजा तो अमीरी में है दादा। पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए। वर्ल्ड बेस्ट मंत्री, आमार स्पाई आमाके बताया कि जय सोने का गोल्ड कॉइन तुम्हाके दिया, उसमें तुम शुद्ध मजा किया। महाराज वर्ल्ड बेस्ट। शट अप। महाराज आमी की? चुप करो, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। कल सुबह सुबह हमें जवाब चाहिए, नहीं तो तुम्हारा शोर जाएगा एकाने और धोर जाएगा ओइकाने। जी 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 जी, जी महाराज। वाइज बेस्ट। अरे बाबा ये करबो आमी, खेला खतम सार एकाने,
धार ओखने दोइठो गोल्ड कॉइन अभी बैलेंस है सर, तुम्ही चिंता करबे ना। हाँ सर, जाइए वर्ल्ड बेस्ट राजा से कहिए, ए राजा सुबह सुबह पैलेस के बाहर आ जा। अरे ये इतने सारे धागों और भेड़ों का क्या करेगा? अकल लगाओ बाल्टी बॉय, जवाब मिलेगा। हाँ, मिल गया, वो इन धागों से ना दुष्ट मंत्री और राजा को बांधेगा। छोड़ मुझे। तुम्ही तो कितनी चौपड़ गंजू, हमारा मतलब चतुर चतुर। क्या? अरे वाह, बत्ती जल पड़ी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बाल्टी बॉय का दिमाग सुस्त है पर बंद नहीं, क्या समझे? अगर तुम दोनों चपड़ गंजुओं की चपड़ चपड़ बंद हो गई है तो कहानी पर वापस चले। हाँ की बोल ची? तो अगले दिन सुबह मंत्री, सुबह तो हो गई, अब क्या इंतजार है, बोल बे कि ना? बस 2 मिनट महाराज। ए मानुष फ्रॉड है महाराज, टोटल फ्रॉड। अरे ऐसे कैसे? शीप के लिए पैसा लेके गया था और शीप लेके आया? ना महाराज, ना ना ना, नो। काउंट करके 657 शीप है और ये थ्रेड। शीप थ्रेड, ये क्या बकवास है? अब तो मैं ही प्रमुख मंत्री हूँ। पर महाराज, कंडीशन के अनुसार काश तो खत्म हो चुका है। हैं? कैसे महाराज? पृथ्वी का सर्कमफेरेंस इन थ्रेड के लेंथ के जितना है और आकाश में स्टार्स उतने ही है जितने इन शीप के शरीर पर बाल है। किंतु इनके बाल कितने हैं? उतने ही जितने स्टार्स हैं। और इन थ्रेड्स का लेंथ? जितना पृथ्वी का सर्कमफेरेंस। किंतु किंतु सर्कमफेरेंस कितना है? अरे अभी तो बताया ना, जितना थ्रेड का लेंथ है। वाइड बेस्ट, तुम ही ठीक बोले छो, तुमने अपना काज कंप्लीट कर लिया और तुम, तुम्हारी सजा के चक्कर में 10,000 गोल्ड कॉइंस लग गया। अब तुम्हारी सजा है कि तुम काउंट करके ये सब गिन लो, हैं? वरना तुम्हारा सिर जाएगा एकने और मर जाएगा ओइकने। सिपाहियों ले जाओ इसे। किंतु महाराज, प्रमुख मंत्री बनना चाहता था, आपने प्रमुख कैदी बना दिया। वर्ल्ड बेस्ट। वाह, हाँ, ये कितना अकलमंद है, वो गोपाल भर किसी को भी मूर्ख बना सकता है। बिल्कुल मेरी तरह। तो क्रिश, हमने इस कॉमिक से क्या सीखा? मैं बताऊं, यही कि मस्खरे भी अकलमंद हो सकते हैं। बिल्कुल सही। यस। और वो? और ये कि अकलमंद लोगों के दोस्त बेवकूफ हो सकते हैं। अरे इसका क्या मतलब हुआ, अकलमंद लोगों के दोस्त बेवकूफ हो सकते हैं? क्रिश! ओफो! अरे, हमारे देश के इन तीनों कॉमिक्स ने हमें खूब सिखाया और हंसाया, लेकिन लगता है इन दोनों कॉमेडियंस के समझ में कुछ भी नहीं आया। हम जल्द ही फिर मिलेंगे आपसे, तब तक गाते रहिए, नाचते रहिए।